नमस्कार, मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सूरत गुजरात इंडिया से। आज मैं एवास्कुलर नेक्रोसिस के बारे में आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं। मेरे साथ पेशेंट है भाविन कुमार पटेल वांसदा से, यहां सूरत में वो डिंडोली रहते हैं। उनकी बहन दर्शना पटेल, वो भी BHMS डॉक्टर है। उसकी पूरी बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाविन को कोविड हुआ था और कोविड की ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड दिया गया था। ड्रग इंड्यूस एवास्कुलर नेक्रोसिस डायग्नोसिस हुआ है। बाइलेटरल बोथ साइड एवास्कुलर नेक्रोसिस है उनको। चलने में उनको बहुत सारी तकलीफें थी। मैंने यहाँ निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नानपुरा ब्रांच में एडमिट किया है। मैंने क्या ट्रीटमेंट किया है वो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप भाविन से बात कीजिए। भाविन, आपका नाम, मोबाइल नंबर सब बोलिए वहाँ देख के। मेरा नाम भाविन कुमार महेश भाई पटेल है। मेरा मोबाइल नंबर 8141770004। भाविन, आपको क्या तकलीफ थी? मेरे को पहले तो पता नहीं था क्या हुआ नहीं था। एक महीना तो मैं ऐसे ही पैर में दुख रहा था, ऐसे ही कुछ वेद के पास गया था मालिश कराने के लिए। फिर भी कुछ अच्छा हुआ नहीं। और उसके बाद MRI और एक्सरे करवाया। एक्सरे में तो कुछ आया नहीं। MRI में आपको ये वास्तु नेक्रोसिस है। अभी जब भी आप यहाँ दाखिल होने के लिए आए थे, उससे पहले क्या इंसिडेंट हुआ था? आप गांव गए थे, बाइक पर बैठे रहे थे, फिर क्या हुआ था? गांव गया था, पूरा दिन सुबह में गया था, डेढ़ दो घंटा गाड़ी पे बैठा था, पूरा दिन भूखा ही था, सिर्फ केला खाया था। और शाम को भी दो घंटे का ट्रैवल था सूरत आने का। उसके बाद थोड़ा थोड़ा दुखने लगा। फिर एक दिन आराम किया मैंने, जॉब पे नहीं गया, फिर भी ज्यादा होने लगा, फिर चलने में ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। बराबर। उसके बाद बहन के साथ बात हुआ, बहन ने सर के साथ बात किया। उसके बाद यहाँ तो सर को मिलने के लिए, यहाँ जब भी तू आया तभी चल सकता था क्या? नहीं। अभी आज कैसा लगता है? दो तीन दिन हुआ? डेढ़ दिन में जो ट्रीटमेंट पंचकर्मा का क्या क्या, उससे आपको कितना फर्क है? बहुत फर्क है। मित्रों, मेरे साथ है डॉक्टर अल्पा ठाकर, वो मेरी एसोसिएट डॉक्टर है। भाविन, मैं आपकी ही बात करने जा रहा हूँ, आप शांति से सुनिए। मित्रों, मैंने एवास्कुलर नेक्रोसिस का प्रोटोकॉल जो मैंने रिसर्च किया है, मेरे गुरु जी पूज्य वैद्य नरसिंह भाई पटेल, डॉक्टर पुलीपल्ली यादव हैदराबाद, डॉक्टर सी सुरेश कुमार एंड डॉक्टर US निगम सर मुंबई, उनके साथ जो मैंने अनुभव लिया है, और केरला में डॉक्टर सुदेश कुमार के साथ वैद्य रत्नम में जो मैंने ट्रेनिंग लिया है, उसके हिसाब से मैं एवास्कुलर नेक्रोसिस की ट्रीटमेंट करता हूँ। सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब पेशेंट में मुझे यही प्रोटोकॉल से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पेशेंट ठीक हो जाता है या तो ठीक जैसा हो जाता है। मेरा शब्द सुनिए, ठीक हो जाता है या तो ठीक जैसा हो जाता है। मैंने मेरी आईटीस, हिल्बो टेबलेट, हिल्बो अस्थि संधानक लेप, न्यूरोप्लेक्स टेबलेट, टिंडुक्वटी, एकांगविरस, वाद्य जांगुसरण समेत पन्नग्रस का कॉम्बिनेशन के साथ वातारी कसाई और ग्रंथियर कसाई का कॉम्बिनेशन मैंने इसमें दिया है। रात को कभी कच्चू कैप्सूल, अश्वगंधा कैप्सूल दूध में डाल करके पीने के लिए दिया है। रात को उपना भी करता हूँ। पंचकर्म मेरा प्रोटोकॉल में बता देता हूँ। 14 दिन के प्रोटोकॉल में मैं अभ्यंग शोधन से शुरू करके पोड़ी किसी से शुरू पताने के बाद पिंसीजिल और पिंसीजिल के बाद नवरा किसी करता हूँ। जहाँ पेन है, जहाँ जो एवास्कुलर नेक्रोसिस है, उस एरिया पर लोकल बस्ती देता हूँ। लेपन करके उपना भी रात को करता हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे पेशेंट आयुर्वेद से ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा है मेरे हर वीडियो में, शोध और सोच बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से ऐसे डिसीज में आयुर्वेद महान है। मेरे पूज्य गुरु नरसिंह भाई पटेल के पास ये सब मैं सीखा हूँ। 7574861866 मेरा मोबाइल नंबर है। निरामय आयुर्वेद मेरी यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घर घर तक पहुंचाइए। अगर आप ऐसे कुछ व्याधि से ग्रसित हो, एवास्कुलर नेक्रोसिस, मेनिस्कस टेयर, तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हो। niramayayurveda.com मेरी वेबसाइट है। सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरामय रहे। भविन, आपका धन्यवाद, और आपका भी डॉक्टर धन्यवाद।